बिलोंग करती हूँ एक बिजनेस फैमिली से, और कोई हमारे घर में कोई गायक या कलाकार नहीं था। हाँ, मेरी माँ जो है वो जरूर एक नृत्यांगना रही है, मणिपुरी डांस करती थी वो। अच्छा लेकिन घर में सबको संगीत सुनने का बहुत ज्यादा शौक था, और गॉड गिफ्ट कह लीजिए, क्योंकि बचपन से मुझे म्यूजिक बेहद पसंद था। मतलब ये कोई सिखाया नहीं गया था, लेकिन एक मुझे पॉकेट रेडियो दिया था मेरे पापा ने, तो उसको सुने बिना मैं सोती नहीं थी। और 5-6 वर्ष की उम्र से ही मैं बहुत सारे, हम जब आउटिंग पर जाते थे पिकनिक्स पर, तो बहुत सारे गाने मैं ऐसे ही गाती थी, लता जी, आशा जी के, किशोर कुमार, रफी साहब, जो रेडियो पे सुनती थी बस वो गाती थी। उस वक्त हमारे गुजरात के एक बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने संगीतकार है श्री पुरुषोत्तम उपाध्याय जी, तो उनसे हमारी मुलाकात होती रहती थी। और उन्होंने एक बार सुना और उन्होंने कहा कि चलो तुम एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मेरे प्रोग्राम में इसको गवाते हैं, मेरी माँ से कहा। तो बस वहीं से जर्नी शुरू हो गई। तो उनके प्रोग्राम में गाते गाते फिर उनसे थोड़ा सीखा। उसके बाद एक बहुत अच्छे विद्वान थे विनायक वोरा जी, तार शहनाई बजाते थे, उनसे थोड़ा सा सीखा। और फिर एक प्रोग्राम में जो गीत त्रिवेणी उसका नाम था, और उसमें तीनों भाषाएं, गुजराती, हिंदी और मराठी, तीनों भाषाओं के प्रसिद्ध गायक मौजूद थे। उसमें पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी भी आए थे, और के महावीर जी, जो आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध गजल गायक थे। तो बिल्कुल उसमें, वो प्रोग्राम में मैंने एक दो चीजें पेश करी, सबको बहुत पसंद आई। जगजीत सिंह जी भी थे उसमें, तो मेरी माँ ने पंडित जी से कहा, हृदयनाथ मंगेशकर जी से, कि अब मेरी बेटी को मैं सिखाना चाहती हूँ आपके पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा एक दिन आपके घर। और वो आए घर, और फिर उन्होंने पूछा कि भाई तुमको संगीत क्यों सीखना है। तो मैं तो बहुत छोटी थी, तो मैंने कहा कि आप लता जी के भाई है ना, तो हाँ। उन्होंने कहा हाँ, बोले हाँ, बस मुझे भी फिल्मों में गाना है उनकी तरह, तो इसलिए आपसे सीखना है। तो बहुत हंसे वो। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ऐसा गाने के लिए पहले क्लासिकल सीखना पड़ेगा। और मेरे घर पे तानपुरा था, मेरी माँ कभी कभी तानपुरे पे गाती थी, और तो तानपुरा उन्होंने मंगाया और फिर रियाज शुरू किया। और फिर उसके बाद जो उनके सिखाने की जो पद्धति थी, जिस तरह से वो सिखाते थे, वो ऐसा था कि मैं सब सारे सपने के फिल्मों में गाना है, यहाँ गाना है, वहां गाना है, वो सब भूल गई। और फिर एकदम मुझे म्यूजिक में जो है इतना इतना डिवोशन उत्पन्न किया उन्होंने मुझ में, एक एक जिसको कहते हैं लौ लग गई मुझे सीखने की। तो उस वक्त तो फिर ऐसे कुछ, उस जमाने में ऐसा नहीं था कि हमारा डेस्टिनेशन ये है और यहाँ जाके गाना है, वो करना है। बस सिर्फ संगीत के प्यार की वजह से सीखना शुरू किया, और उसके बाद कई सालों तक उनसे सीखा। और उसके बाद उस्ताद फयाज अहमद नियाज अहमद खान साहब, किराना घराने के, उनसे भी मैंने सीखा। उसके बाद कुछ दिन नियाज अहमद खान साहब के दामाद उस्ताद मशकूर अली खान, उस्ताद बिल्कुल मुबारक अली खान उनके भाई, उनसे सीखा। और फिर बस मैं जिनसे भी मतलब जिनका गाना सुनती हूँ, अगर मुझे पसंद आता है तो मैं बस वो कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। तो इस माने में तो मैंने बहुत लोगों से सीखा है। बदमाशी तो बहुत की, क्योंकि बहुत मैं शैतान थी। और इतना एक मजेदार किस्सा है कि संगीत सिखाने के लिए सबसे पहले, बहुत जब मैं छोटी थी, 7 7 साल की शायद, और मेरी बहन थी मुझसे छोटी, 5 साल की, तो मेरी मम्मी ने कहा कि भाई इनको तो डांस संगीत सब कुछ सिखाना है। तो एक हार्डिकर करके एक महाराष्ट्रीय गुरु थे, उनको बुलाया घर पे कि आप मेरी दोनों बच्चियों को सिखाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो आते थे घर, और मेरी माँ कहीं काम से बाहर जाती थी, तो मेरी बहन तो बेचारी जो है बड़े सीरियसली बैठ के सीखती थी, और मैं जैसे ही मेरी माँ बाहर जाती थी तो उनसे कुछ ना कुछ भाना करके भाग जाती थी रूम के, और वो मेरे पीछे पीछे भागते थे।
और जैसे ही मेरी माँ आती थी वो कहते थे कि भाई ये आपकी छोटी बेटी है तो सीख सकती है, गा सकती है, लेकिन ये जो है ये इतनी शैतानी, इसको कभी गाना आ ही नहीं सकता। तो और भी बहुत सारी शैतानियां करती थी। हमारे बिल्डिंग में जितने बच्चे होते थे तो उन सबके साथ सबकी माए आती थी, मेरी माँ के पास ये बहुत शैतान है और इसने ये किया वो किया। तो बचपन से आदत रही कि बहुत मस्ती करने की। क्योंकि उन्होंने मुझे मुझे याद है कि राग पूरिया धना से शायद शुरुआत की थी मेरे गाने की, और फिर मुझे इतना उसमें एक रस आने लगा कि ये क्या है, और सुर में कैसे गा, सुर के पीछे पड़ गई थी मैं कि भाई सुर में कैसे गाया जाए, और हर चीज इतनी बारीकी से वो सिखाते थे और घंटों रियाज करते थे। मतलब कई कई बार तो मैंने स्कूल भी बंक किया, उसके बाद कॉलेज में आई तो कॉलेज तो मैं बिल्कुल जाती नहीं थी, क्योंकि तो उनका टाइम था सुबह 11 से 4 रियाज का, तो 4 बजे के बाद खाना होता था। तो मेरे घर में हमारा गुजराती परिवार था तो सब 1 बजे खाने वाले लोग, तो 4 बजे मैं खाना खाती थी। तो मेरी माँ और मेरे जो पिताजी थे बड़े नाराज होते थे कि ये कौन सी तरह की तालीम है। तो लेकिन एक जो वो लॉ लग गई थी वो लॉ आज तक कायम है, और उसका पूरा जो श्रेय है वो मेरे गुरु पंडित हृदयनाथ जी को जाता है। बारीकी जो है उनके गाने में और जो उपज है और जो ख्याल गायकी है वो बहुत ही बारीकी से देखते थे हमारे खान साहब, फयाज अहमद खान साहब। उनकी खुद की भी बनाई हुई काफी बंदिशें हैं। तो एक जो डिसिप्लिन है कि इस तरह से रियाज करना, और गाने में जैसे मुरकी या उचक कहते हैं वो, ऐसे कई जो छोटे छोटे न्यूआंसेस है गाने में वो सिखाते थे वो, और बंदिश को कैसे भरना एक पूरे ताल में। झूमरा उनका फेवरेट था, तो उन्होंने ये सिखाया कि बंदिश को कैसे भरना और उसमें ख्याल में कैसे अपनी उपज लाना। तो और वॉइस और गला ना बिगाड़ते हुए, क्योंकि उनके घराने की ये जरूर खासियत है कि जो बाकी भी शागिर्द है तो गले को और मुंह के आकार को बिगाड़ते नहीं है, आकार जो है वो बड़ा अच्छा रहता है। तो वो तालीम उन्होंने मुझे बहुत दी, और उससे मैंने बहुत बहुत उससे फायदा हुआ मेरे मेरी गायकी को। और गजल गाने का एक जो अंदाज है वो भी उस गायकी के थ्रू मैंने सीखा।
एक्चुअली ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उस वक्त हम लोग जो है म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं, तो उस जमाने में ऐसे कोई मंजिल ऐसी तय नहीं की थी कि मुझे गजल गायिका बनना है या फिल्मी गायिका बनना है या क्लासिकल गाना है या भजन गाना है। मैं तो एक शौक के लिए, एक प्यार के लिए संगीत सीख रही थी। तो उस वक्त 1984-85 में गजल अपने उरूज पे था, गजल गायकी अपने उरूज पे थी और बहुत सारे गजल गायक आए इस फील्ड में। तो उस वक्त हमारी मुलाकात हुई पॉलीडोर कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव से। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना आप हमारी कंपनी के लिए गजल एल्बम रिकॉर्ड करिए, और उसका नाम रखा था आगाज। आगाज यानी कि शुरुआत। तो दूसरी खास चीज ये है कि जब मैं जजना जी से सीखती थी गाना, अभी भी सीखती हूँ, लेकिन उस वक्त उन्होंने मेरी तालीम उर्दू में भी कराई। एक मास्टर जी आते थे घर पे अल्फाज के लिए, तो उर्दू के अल्फाज कैसे बोले जाते हैं और उसकी उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, ये भी सीखा मैंने। तो गजलों के लिए एक नेचुरल रुझाव था और लैंग्वेजेस के प्रति मेरा नेचुरल रुझाव शुरू से रहा है, चाहे उर्दू हो या हिंदी, मराठी, बंगाली। मुझे पहले से लैंग्वेजेस में गाने का, अलग अलग लैंग्वेजेस में गाने का शौक रहा। तो पॉलीडोर कंपनी ने ये प्रस्ताव दिया कि आप गजल एल्बम हमारे लिए करिए। तो मैंने कहा ठीक है, गजल गा लेते हैं। तो ऐसा कोई कॉन्शियस नहीं था, लेकिन अपने इंडिया में ये है कि पहला जो आपका काम बाहर आता है और लोग आपको जानने लगते हैं, और उस वक्त मेरा एल्बम बाहर आया और काफी मुझे प्रोग्राम भी मिले गजलों के, तो एक स्टैम्प लग गया गजल गायिका के। उसके बाद बस जर्नी आगे चलती गई, और जब रूप जी से मेरी मुलाकात हुई तो फिर हमने ये एज अ ड्यूएट गजल गाना शुरू किया। जी हाँ, आपने सही पहचाना कि शास्त्रीय संगीत पक्की, जिसको पक्का गाना कहते हैं, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और ये मेरा सपना है कि भाई मैं इस जन्म में जरूर गाऊंगी क्लासिकल एक ना एक दिन, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसे 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 गाने वालों को, ऐसे ऐसे कलाकारों को मैंने सामने से सुना है कि एक लेवल बन गया है मेरे मन में, मेरे हृदय में, कि ऐसा गाना हो तो ऐसा। तो और बड़े गुलाम अली खान साहब और आमिर खान साहब, किशोर यामुनकर जी मेरे बहुत ही दिल के करीब रहे, बहुत सारे और भी हैं, उस्ताद सलामत अली खान साहब, और अलग अलग घरानों के गाने मैंने सुने हैं और गायकी सुनी है। तो मेरी जब गजल गाना शुरू कर दिया तो इतने हम बिजी हो गए इस फील्ड में, और इतने प्रोग्राम मिलने शुरू हो गए, इतने एल्बम्स हो गए, कि गजल क्लासिकल गाने के लिए एक जो एक समय आपको देना पड़ता है, एक डेडिकेटेड टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर रियाज, तो वो मुझसे हो नहीं पाया। और मैं सच में इसके लिए बड़ी दुखी हूँ कि मैं शास्त्रीय संगीत नहीं गा पा रही आज तक। लेकिन देखिए, अगर कृष्ण भगवान चाहेंगे, भगवान चाहेंगे तो जरूर होगा, एक दिन आप सुनेंगे। Hey, hey, hey.
एक तालीम ली है कि भाई स्टेज पे कैसे परफॉर्म करना और किस तरह से जो रिफाइंड म्यूजिक की तालीम उन्होंने दी है मुझे कि गाना तो मैं बहुत गाती हूँ और मुश्किल भी गाती हूँ, हर तरह का गाती हूँ, लेकिन किस तरह से ऐसे गाऊं कि जो पब्लिक तक पहुंचे और उनको अच्छा लगे, ये तालीम उन्होंने दी मुझे। और स्टेज पे काफी बार मैं नाराज हो जाती थी क्योंकि जब भी मैं कहती थी कि आप चलो मैं आंख से आंख सुनाती हूँ तो वो कहते थे भाई क्यों तुम्हें ये पंगा क्यों लेना है ऑडियंस से, जो ऑडियंस यहाँ पे समझदार हो वहां इस ऐसी चीजें पेश करो। तो उसमें हमारी काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी स्टेज पे, लेकिन खैर ही वॉज द बॉस ऑफ द स्टेज तो मुझे सुनना पड़ता था। जो नए गजल मतलब जो नए शायर है आज के जमाने के, उनकी मुझे रूप जी को बहुत लोग भेजते रहते हैं, शायद खुद भी आते रहते हैं हमारे घर, और वो सिलेक्शन ज्यादा करके रूप जी करते हैं क्योंकि मुझे पसंद है गालिब, मीर और बहुत सारे पाकिस्तानी भी ऐसे शायर हैं। तो हमने मीर का भी एल्बम किया और एक मेरी बहुत ही खास पसंदीदा शायरा है परवीन शाकिर, उनका भी हमने एक एल्बम। तो मुझे उनकी गजलें सुनना ज्यादा पसंद है, ज्यादा करके जो चॉइस है वो दोनों ही करते। मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट मेहदी हसन और गुलाम अली, फरीदा खानम जी और बेगम अख्तर साहिबा से भी हमने बहुत उनको बहुत सुना और उनको इमिटेट करने की कोशिश की क्योंकि हम दोनों ने भी क्लासिकल मौसीकी सीखी है और शास्त्रीय संगीत का रुझान थोड़ा ज्यादा है, तो इस तरह की जो गजलें होती थी वो हम ज्यादा पसंद करते हैं सुनना। जगजीत जी तो एक इतने सुरीले गायक थे और जो उनका सुर लगाने का अंदाज था, एक रूहानी आवाज, इसको हमने फॉलो किया कि भाई कैसे इसको जो संगीत में अगर रूह ना हो तो फिर वो कोई उसका फायदा नहीं है। तो ऐसे बहुत हरिहरन जी भी हमें पसंद है, सबको ये बहुत अच्छा गाते हैं और सबको जो अच्छा है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। और दिल को तुमसे प्यार हुआ और एक वो ए आर रहमान साहब का था तक्षक फिल्म का गाना रिंग भूलविंग, लेकिन उनके सारे जो गाने हैं सारे गाने वो मुझे लगता है उसकी स्पेशलिटी ही ये है कि वो जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ रियली ऐसा है, जो भी शब्द है उससे वो बहुत अच्छा न्याय करते हैं शब्दों के साथ। गायकी में ध्यान है लेकिन उसकी जो फीलिंग है वो उनमें बहुत ज्यादा है, तो वो ही उनका एक खास मैं कहूंगी पहचान है। रूप कुमार राठौर यानी अ सिंगर विथ ग्रेट सोल।